नमस्कार, गेट मैथ्स अब जुड़ गया है ओन गुरु के साथ। जी हाँ, ओन गुरु लाया है आपके लिए बेहतरीन तोहफा। अब एसएससी की तैयारी करना हुआ और भी आसान। जी हाँ, ओन गुरु आपको दे रहा है सिर्फ ₹9 में 175 सेक्शनल टेस्ट पेपर्स एंड 3 मॉक टेस्ट पेपर्स। सिर्फ ये 4 सिंपल स्टेप्स फॉलो करें। डाउनलोड ओन गुरु ऐप, अप्लाई दिस कूपन कोड, क्लिक ऑन पे यू मनी एंड पे ₹9 बाय अ मोड ऑफ योर चॉइस एंड एंजॉय द टेस्ट सीरीज फॉर 1 वीक। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज बात करेंगे नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को लेके। अगला क्लास में था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और इस सेक्शन ऑफ लेक्चर में हम बात करेंगे नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को लेके। तो फर्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एग्जामिन वेदर द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इज एग्जैक्ट और नॉट एंड सॉल्व इट। अगर ये एग्जैक्ट है तो डेल एम डेल वाई इक्वल टू डेल एम डेल एक्स आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ एन डी एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई करके जो डिस्टिंक्ट टर्म है उसको आप पहले लिखिए, और जो डिस्टिंक्ट टर्म नहीं है और दोनों में जो कॉमन टर्म है उसको आप एक बार, मतलब रिपीटेड टर्म्स एक बार लिख के प्लस सी इक्वल टू जीरो और इक्वल टू सी आप लिख सकते हो। मगर इन केस ऑफ नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन हाउ टू सॉल्व इट, वो प्रोसेस हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ इक्वेशन वो है एक्स स्क्वायर y माइनस 2xy² dx प्लस 3x² y माइनस x³ dy इक्वल टू जीरो। दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन एज गिवन। सो इसको हम कंपेयर करेंगे विथ m dx प्लस m dy के साथ ऑलवेज। अगर इस इक्वेशन को अगर हम m dx एंड m dy के साथ कंपेयर करते हैं तो इसका m आएगा, आपका जो m आएगा वो है एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy² एंड आपका जो एन है वो जो आ रहा है वो है 3x² y माइनस x³। क्लियर? तो हम चेक करेंगे ये एग्जैक्ट इक्वेशन है या नॉन एग्जैक्ट। तो उसके लिए डेल एम डेल वाई दैट मीन्स इन डिफ्रेंसिएशन ऑफ डेल डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy². क्लियर? तो यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर वाई में एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म है, सो ये बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर आ रहा है एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ डेल डेल वाई ऑफ वाई दैट मीन्स 1। क्लियर? नेक्स्ट टर्म में माइनस, यहाँ पे 2y के रेस्पेक्ट में कॉन्स्टेंट टर्म है 2x, तो 2x बाहर आ रहा है, 2x बाहर आ रहा है इनटू डेल डेल वाई ऑफ वाई स्क्वायर दैट मीन्स आपका जो आ रहा है वो है 2y। क्लियर? तो 2x इनटू 2y दैट इज 4xy, दैट इज 4xy। तो आपका डेल एम डेल वाई, आपका डेल एम डेल वाई का जो वैल्यू आ रहा है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4xy। क्लियर? अब डेल एम डेल एक्स के बारे में, तो डेल एम डेल एक्स, तो डेल एम डेल एक्स इक्वल टू डेल डेल एक्स ऑफ 3x² y माइनस x³। तो यहाँ पे डेल डेल एक्स के रेस्पेक्ट में 3y कांस्टेंट, फर्स्ट टर्म के लिए 3y कांस्टेंट, तो 3y बाहर चला जाएगा इनटू डेल डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर दैट मींस 2x माइनस डेल डेल एक्स ऑफ x³ दैट मींस 3x². क्लियर? दैट मींस 6xy माइनस 3x² सिंपल पार्शियल डिफरेंशिएशन, सिंपल पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो डेल एम डेल वाई का जो वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4xy एंड डेल एम डेल एक्स का जो वैल्यू है वो है माइनस 6xy माइनस 6xy माइनस 3x². ठीक है? तो डेल एम डेल वाई का जो वैल्यू है वो डेल एम डेल एक्स का वैल्यू से सिमिलर नहीं है, इसलिए डेल एम डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एम डेल एक्स, डेल एम डेल एक्स। और अगर नॉट इक्वल टू का कंडीशन है तो ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका क्या होगा? नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट जो प्रूफ था एग्जामिन वेदर द डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो नेचर है वो आपका क्या है? वो आपका नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर? अब चलिए नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए सॉल्व के पार्ट में जाते हैं।
तो अब इस इक्वेशन को फर्स्ट चेक करना पड़ेगा कि ये क्या इक्वेशन है। अब देखिए सिर्फ ये जो टर्म है इस टर्म का जो पावर है वो है x का पावर 2 और y का पावर 1, दैट मींस ये टोटल टर्म का पावर आपका क्या है 3 है। सिमिलरली यहां पे आप देखिए x का पावर 1 y का पावर 2, मतलब यहां पे भी जो टोटल टर्म है इन टर्म का पावर क्या है 3 है, क्लियर। यहां पे भी देखिए x2y, मतलब यहां पे 2 + 1, यहां पे भी टर्म का पावर 3 है, और यहां पे x3, दैट मींस यहां पे भी टर्म का पावर आपका क्या है 3 है, क्लियर। तो यहाँ पे हर जगह पे जो टर्म का पावर है वो 3 है, ठीक है, मतलब सेम पावर है। तो इस टाइप का इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप का इक्वेशन को बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। अब नॉन एग्जैक्ट में बात ये होता है कि नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन को एग्जैक्ट इक्वेशन बनाने के लिए एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आपको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है। अब आप पूछोगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है। मानो कि आप कॉलेज जा रहे हो, तब कॉलेज में कोई भी ऐसे ड्रेस पहन के आप नहीं जा सकते हो, कॉलेज का एक यूनिफॉर्म होता है। अगर आप उस कॉलेज का स्टूडेंट भी नहीं हो और उस कॉलेज का यूनिफॉर्म पहन लिए तो सिक्योरिटी गार्ड उतना चेक भी नहीं करेगा आपको कॉलेज में जाने के लिए। वो आपको ड्रेस देख के सोचेगा कि ये इस कॉलेज का स्टूडेंट है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी ऐसा एक चीज है कि आप अगर इसको किसी नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन के साथ मल्टीप्लीकेशन करते हो तो वो एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाता है, क्लियर। और जब वो एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाएगा तब आप तो जानते ही हो कि किस प्रोसेस से उसका हम सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा होमोजीनियस इक्वेशन के लिए तो आपको ये याद रखना पड़ेगा होमोजीनियस इक्वेशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इक्वल टू 1/mx + ny, क्लियर। तो यहाँ पे इस पार्ट पे आपका m, दैट मींस ये टर्म, और आपका n, दैट मींस ये टर्म, तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हो बहुत सिंपली। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, 1/m मींस ये वाला टर्म, दैट मींस x²y - 2xy² * x + m मींस ये टर्म, तो 3x²y - x³ n * y, क्लियर। तो अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन करने के बाद, तो x²y (x³y) - 2x²y² + 3x²y² - x³y, क्लियर। तो ये टर्म और ये टर्म आपका कैंसिल आउट हो रहा है। तो अब नीचे जो है वो है 1/3x²y² - 2x²y², दैट मींस आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो आपका आएगा 1/x²y², क्लियर। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर चला है। ये ओनली एप्लीकेबल फॉर होमोजीनियस इक्वेशन, मतलब आपको इक्वेशन चेक करना पड़ेगा कि ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। अगर नॉन होमोजीनियस है तो उसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर अलग से है, ये सिर्फ होमोजीनियस इक्वेशन के लिए। तो आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है 1/x²y², तो अब आप क्या करोगे, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इस नॉन एग्जैक्ट इक्वेशंस के साथ मल्टीप्लीकेशन करके इसको एग्जैक्ट बना लोगे। एग्जैक्ट मींस एबल टू इंटीग्रेट, मतलब आप इसको इंटीग्रेट करके वैल्यू निकाल सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, क्लियर। तो चलिए इसको मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो अगर हम इसके साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो है 1/x²y² ऑफ (x²y - 2xy²dx) + (3x²y - x³dy) = 0, क्लियर। अब मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आ रहा है, अब मल्टीप्लीकेशन अगर आप कीजिए इसके साथ तो आपका आ रहा है, नीचे आ रहा है (x²y²), और यहां पे भी नीचे आपका जो आ रहा है वो है (x²y²), क्लियर। तो अब देखते हैं, तो अब इसको अगर ब्रेक करते हैं तो (x²y) / (2xy²) - (2xy²y²dx) + + 3
एक्स स्क्वायर वाई बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू जीरो। क्लियर? आपका जो आ रहा है आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो अब मल्टीप्लीकेशन करने के बाद यार अब कुछ टर्म कैंसिल होगा, जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर जा रहा है, यहाँ पे वाई स्क्वायर जा रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर जा रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो और एक्स एक्स रहेगा। मतलब जो आ रहा है वाई बाई वाई स्क्वायर दैट मीन्स वन बाई वाई मतलब माइनस, यहाँ पे आ रहा है टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर दैट मीन्स टू वाई एक्स डी एक्स प्लस, आपका यहाँ से आ रहा है थ्री वाई बाई वाई स्क्वायर दैट मीन्स थ्री वाई वाई माइनस, यहाँ से आपका आ रहा है एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब कैंसिल हो गए, एक्स बाई वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू जीरो। क्लियर? तो आपका आफ्टर सिंप्लीफाइंग जो इक्वेशन आ रहा है, जो इक्वेशन आ रहा है वो है आपका ये इक्वेशन। हाँ, ये इक्वेशन आपका अब क्या होगा, एग्जैक्ट इक्वेशन होगा। अब चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हो, हालांकि एग्जाम के लिए इतना जरूरी नहीं है कि चेक करके दिखाना, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो जानता है कि किसी आप अगर इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लीकेशन करते हो तो वो बाय डिफॉल्ट वो एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाता है। अब अगर फिर भी आपको मन में डाउट है तो इसको एम और इसको एन पकड़िए, डेल एन डेल वाई डेल एन डेल एक्स कीजिए, तो आप देखोगे कि डेल एन डेल वाई इक्वल टू डेल एन डेल एक्स वैल्यू आएगा, मतलब दैट इज एग्जैक्ट इक्वेशन। क्लियर? अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इस इक्वेशन के साथ अगर हम m इस इक्वेशन के साथ अगर हम m dx इस इक्वेशन के साथ अगर हम तो इस इक्वेशन के साथ अगर हम m dx प्लस m dy इस इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन का कंपेयर करते हैं, तो मतलब हम लोगों का m जो है वो आपका अभी आ रहा है 1 by y माइनस 2 by x, और आपका n जो है वो यहाँ से आ रहा है आपका 3 by y माइनस x by y स्क्वायर। क्लियर? वेरी सिंपल। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ m dx बनाएंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ m dx दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 by y माइनस 2 by x इंटू डी एक्स। क्लियर? ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 बाई वाई कॉन्स्टेंट टर्म में ड्यू विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, सो 1 बाई वाई बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस यहाँ पे 2 कॉन्स्टेंट टर्म है तो 2 बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स। क्लियर? तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स दैट मीन्स एक्स, सो यहाँ पे आपका जो आ रहा है वो है, सो यहाँ पे आपका जो आ रहा है वो है एक्स बाई वाई माइनस 2, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स दैट मीन्स लॉग एक्स लॉग एक्स। क्लियर? तो यह सब कर रहा है एक्स बाई वाई माइनस पावर क्या हो जाता है जो वैल्यू है उसके ऊपर चला जाता है, तो लॉग एक्स स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हो लॉग एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो फर्स्ट हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, अब आ रहा है हमारी इंटीग्रेशन ऑफ एम डी वाई। तो इंटीग्रेशन ऑफ एम मीन्स थ्री बाई वाई माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर डी वाई एक्स बाई वाई स्क्वायर डी वाई। तो यहां से आपका 3 बाहर आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बाई वाई दैट मीन्स 3 लॉग वाई। सिमिलर यहाँ पे आपका कॉन्स्टेंट टर्म कौन सा है, x कॉन्स्टेंट टर्म है, तो माइनस एक्स बाहर चला गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई। अब 1 बाई वाई स्क्वायर, अब 1 बाई वाई स्क्वायर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपका होगा y टू द पावर माइनस 2, तो इसको आप लिख सकते हो y टू द पावर माइनस 2 y टू दी पावर माइनस 2। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर लेते हो तो आपका जो आएगा y टू दी पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1। क्लियर? तो मतलब यहाँ से आपका आ रहा है log y क्यूब माइनस यहाँ से माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस x इंटू y टू दी पावर माइनस 1, मतलब आपका जो आ रहा है आफ्टर सिंप्लीफाई log y क्यूब माइनस सॉरी प्लस x बाई y। क्लियर? तो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई वाई माइनस लॉग एक्स स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ एम डी वाई इक्वल टू लॉग वाई क्यूब प्लस एक्स बाई वाई। तो अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, जनरल सोल्यूशन। अब आपको जो लिखना पड़ेगा वो है जनरल सोल्यूशन, और जनरल सोल्यूशन कैसे लिखते हैं अगला वीडियो में भी हम बोल दिए थे उसका प्रोसेस, तो आप लिखते हैं जनरल सोल्यूशन, जनरल
सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, ये जो दो इक्वेशन है इन दोनों इक्वेशन में फर्स्ट हम चूज करेंगे डिस्टिंक्ट टर्म। तो डिस्टिंक्ट टर्म कौन सा है, यहाँ पे log y क्यूब, तो हम लिख लेते हैं log y क्यूब माइनस, यहाँ पे डिस्टिंक्ट टर्म log x स्क्वायर, तो माइनस log x स्क्वायर, क्लियर। अब जो रिपीटेड टर्म है जैसे x बाई वाई, ये रिपीटेड टर्म है दोनों में, ये रिपीटेड टर्म को हम क्या करेंगे, जस्ट एक बार कंसिडर करेंगे बिकॉज ऑफ रिपीटेड टर्म टेकिंग वंस। सो प्लस x बाई वाई, अब प्लस सी इक्वल टू जीरो लिख सकते हो और इक्वल टू सी भी लिख सकते हो, इक्वल टू सी, क्लियर, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपका जो जनरल सॉल्यूशन आ रहा है, अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपका जो जनरल सॉल्यूशन लॉग वाई क्यूब माइनस लॉग एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स लॉग वाई क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, लॉग वाई क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, क्लियर, प्लस एक्स बाई वाई इक्वल टू, इक्वल टू एक्स बाई वाई इक्वल टू सी। तो वैल्यू आपका क्या है, लॉग वाई क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, लॉग वाई क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, क्लियर, प्लस एक्स बाई वाई इक्वल टू सी। तो ये जो आ रहा है ये रहा आपका जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो किसी भी नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन को आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लीकेशन करके उसको एग्जैक्ट बना के, जो एग्जैक्ट से जैसे सॉल्व करते इक्वेशन को उस तरह से सॉल्व करके आप उसका जनरल सॉल्यूशन ऐसा निकाल सकते हो, ठीक है। ये मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सेमिस्टर एग्जाम के लिए, खास करके मकाउट का एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बार ये मैथ्स आया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, और नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे क्लैरियस इक्वेशन को लेके और बार्नौली इक्वेशन को लेके। थैंक यू।